आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो है अपने फ़ोन स्क्रीन के माध्यम से आपको सारा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कि कैसे आप जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आपको कोई एनुअल जो है मेंटेन करना नहीं पड़ेगा, एनुअली कोई भी अमाउंट जो है मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। आप जो है आसानी से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो है डिटेल्स में आपको बताऊंगा और सारा प्रोसेस अपने फ़ोन स्क्रीन के जरिए करके भी दिखाऊंगा। तो आप प्रोसेस को अगर सही से जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को इन तक देखिए ताकि आप जान सकें कि कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कौन कौन से उसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जो है ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन कौन से ऑप्शन आपको चूज करने पड़ेंगे ताकि जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो है योनो ऐप है स्टेट बैंक का, उसे आपको अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे यहां पे आपको कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पर आप परमिशन को एलो कर देना है। एलो करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू टू एस पी आई, न्यू टू एस पी आई में आपको क्लिक करना है। ओपन डिजिटल अकाउंट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है ओपन डिजिटल अकाउंट दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, उस पर आपको टैप कर लेना। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है, क्योंकि आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो है वीडियो केवाईसी प्रोडक्शन का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे नो मोर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन है वीडियो केवाईसी का यहाँ पे सारा आ गया है। आप इसे एक बार रीड कर लेंगे। रीड कर लेंगे के बाद केयरफुली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको जो है पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार नंबर चाहिए और सिंगल ओपनिंग अकाउंट, यहाँ पे देखिए सिंगल ऑपरेशन अकाउंट है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे जो है दिया गया है जो वीडियो केवाईसी का इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बैक जाएंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे ओटीपी सेंड लिख के आ गया। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल ओटीपी और ईमेल आईडी में जो भी ओटीपी आया है वो दोनों को यहाँ पे डाल के सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आपको जो है अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है और उसका आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे देखिए 15 डेज ऑफ, यहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो इस पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए कंसर्न पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसे आप एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको मांगेगा। पर्सनल डिटेल्स देने के लिए यहाँ पे पहले आई एग्री इन द अबव में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा आईडी चूज करने के लिए बोलेगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड में आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद गेट ओ टी पी पे क्लिक कर लेंगे। गेट ओ टी पी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड नंबर पर जो भी आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओ टी पी आएगा। यहाँ पे आप अपना ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे केवल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, पर्सनल डिटेल्स का ही ये इंटरफेस है। यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह चूज कर लेना है और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी एड्रेस डिस्ट्रिक्ट आता है, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है यहाँ पे आप उसे चूज कर लेंगे। एक बार चूज करने के बाद सारा जो है यहाँ पे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको पेन नंबर इंटर करने के लिए वो होगा, पेन नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है आपका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, आधार से जो भी लिंक है फ़ोटो यहाँ पे आपका आधार कार्ड दिख जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेरिटल स्टेटस डाल देंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में देखिए यहाँ पे सिटी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस सिटी में हुआ है, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एनुअल इनकम है, टोटल जितना एनुअल इनकम है यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे रीजनल जो भी आप हिंदू है मुस्लिम है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स मांगेगा। नॉमिनी डिटेल्स में उसके सही सही आप फिलअप कर देंगे, जो भी आप नॉमिनी जिसको भी डालना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ पे उसका एड्रेस भी बोलेगा, एड्रेस आप यहाँ फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखिए आपको ब्रांच जो है सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी ब्रांच आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए रीड, इसे आप एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए OTP हैज बी सेंड, OTP आपके चला गया है मोबाइल पे, यहाँ पे आपको OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप डेबिट कार्ड में जो भी नाम चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको एक टोकन नंबर आएगा, इसे आप नोट करके लिख लेंगे या फिर इसे स्क्रीनशॉट करके अपने डिवाइस पे सेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो KYC प्रोसेस है, यहाँ पे आप शेड्यूल सेट कर लेंगे वीडियो KYC का, ओके करके। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए आप एक दूसरे साइट में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट जर्नी में क्लिक कर लेना है। स्टार्ट जर्नी में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए शेड्यूल कॉल के का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ओके करके जो है आपको डेट और टाइमिंग जो भी शेड्यूल चाहते हैं आप वीडियो कॉल का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी टाइम में आप फ्री रहते हैं वही शेड्यूल यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल में क्लिक कर लेंगे और आपका शेड्यूल जो है सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शेड्यूल में मैंने क्लिक किया और ये मेरा शेड्यूल जो है सेट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप घर बैठे जो है इसमें आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको जो है ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त और रिलेटिव्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।